भाई Thank you.
ए बाबू, ओ ए बाबू, ए हीरो। ए इसमें लगा लो। चलो चलो जल्दी चलो, दौड़ के आओ, सत्संग का समय हो गया। आज सत्संग का आखिरी दिन है, एक एक आदमी सुरक्षा के लिए छोड़ दो। देखो चला गया नीचे, बाकी सब लोग सामने आके बैठो और एक एक वचन वाणी को बड़ी सावधानी के साथ सुनो। ये सत्संग हमेशा नहीं मिलता है, करोड़ों जन्मों की तपस्या, करोड़ों जन्मों के पुण्य, करोड़ों जन्मों की सेवाएं जब एकत्र हो जाती है, जब संत महापुरुषों का मिलन, उनकी सत्संग वचन वाणी सुनने का अवसर मौका मनो को अपने जीवन में मिलता है। यदा कदा कभी कभी गोस्वामी महाराज ने इशारा करके कहा कि पुण्य बिन मिले ना संता, और संत बिना सूझे नहीं पंथा। बिना पुण्य कर्मों के संत महात्मा नहीं मिलते, और बगैर संतों के जीवन का सही रास्ता नहीं मिलता। ईमान जीवन परमात्मा ने किस लिए दिया, किस काम के लिए दिया है? जब वो संत महापुरुष मिलेंगे जिन्होंने जो मानव चोले में आए, अपनी जीवात्मा को जगा लिया, परमात्मा से मिला लिया और दरबार के दरबारी हुए, रो जाते थे। जब वो मिल जाएंगे तुमको मानव जीवन का अर्थ बताएंगे, क्योंकि परमात्मा ने 484 का केवड़िया शरीर जिसम बनाए हैं, जिसमें 83,99,999 योनियां भोग के लिए बनाए, और ये मानव योनि योग माने जोड़। जो जीवात्मा परमात्मा से अलग हो गई है, इसे कौन जोड़ेगा, कौन मिलाएगा, कौन कौन प्रेमियों उसमें जाने वाले को कहते हैं संत सतगुरु, और मिलाने वाली युक्ति का नाम है सत्य संघ। जब कभी ऐसे अवसर हमें आपको अपने मानव जीवन में मिला करें, तो हम सब लोगों को यह सोचना चाहिए हमारे सबों पर हरि और गुरु की कृपा हो। बिना परमात्मा की कृपा के संत महात्मा नहीं मिलते, बगैर संतों की दया के
तीन जीवात्माओं का अवतार हूं। ये दोनों चीजें सत्य है। स्वभाव से समय से आपको दोनों चीजें मिली, लेकिन आप जान हमारा पसंद है जो तुम्हारे लिए तुम्हारी जीवात्मा के उद्धार के लिए आए, मनोजीवन का कल्याण कराने आए, समाज सामाजिक पारिवारिक व्यवहारिक जीवन को सुखमय बनाने आए, तुम उन्हीं को भूल गए। उन्हीं की तुम्हारे अंदर कोई पहचान नहीं है। तुम्हें नहीं मालूम कि गुरु किस काम के लिए आता है और कौन सा काम करके ही जाता है। जो काम करके जाएगा उसी का इतिहास बनता, उसी के लोग पूजा करते हैं, उसका का गुणानुवाद होता। जो काम नहीं करेगा उसकी कोई पूजा नहीं। और अभी तो कोई जो काम की आवाज लगाई गई कि बच्चा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको नया तरफ रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा, सबको शाकाहारी बनाऊंगा, सबकी जीवात्मा को जगाऊंगा, परमात्मा से मिलाऊंगा और अपने जगाए नाम जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इन घर पहुंचाऊंगा। इतना बड़ा संकल्प प्रति बल्कि प्रतिज्ञा, इतना बड़ा वादा, और अभी तो कोई काम नहीं हुआ, किसी काम की शुरुआत नहीं हुई और तुमने महापुरुष के जाने की शुरुआत कर दी। ये प्रचार तुमने शुरू कर दिया तो आपने कितना बड़ा कलंक लगाया है। तुम्हें मालूम है कि गुरु को पर कलंक लगाना, गुरु को झूठ कहना, झूठा वादा खिलाफी करने वाला, दगेबाजी वाले कहना, ये कितनी बड़ी सजा मिलती है। तुम्हें तो कुछ मालूम नहीं है क्योंकि तुम अभी गुरुओं के संतों सदगुरुओं के राज को नहीं जानते। यहाँ गुरु भेजा जाता तब आता, संत भेजे जाते तब आते, सदगुरु भेजा जाता तब आता, लेकिन परम संत सच्चा सत्रो निवासी मानी गुरुओं पर रहम करने के लिए अपनी इच्छा से आता है और काम करके अपनी इच्छा से ही जाता है। ऐसा समृत मानी भूमंडल पर आया जिसका कोई इतिहास अभी नहीं है। इतने आए सब शत्रु सी कबीर साहब से लेकर हजारों संत आए इस कलयुग में, ये सब शत्रु सी आए। लेकिन लिखा है जब अनामी महाप्रभु शत्रु के ऊपर अलग, उसके ऊपर अगम, उसके ऊपर अनाम लोग, वो अनामी धाम है। अनामी धाम से जब अनामी महापुरुष इस भूमंडल पर आएगा और मतलब यानी गौरव प्रभु नाम का प्रचार करेगा और प्रभु नाम से जीवात्माओं को जोड़ेगा और प्रभु नाम रूपी जहाज पर बैठा कर इन जीवात्माओं को इनके घर पहुंचाएगा, तब ये जीवात्माओं का आवागमन खत्म होगा। ये तो कभी इतिहास ही ऐसा नहीं पढ़ते तो आप कहां से पढ़ते जानकारी लेते तो ना। ऐसा अनोखा विलक्षण अद्भुत महापुरुष ये पहली बार मृत्युलोक मंदिर पर आया है। कबीर साहब से लेकर जितने संत आए सबने जीवों को जगाया और जगा के खड़ा किया उन सब जीवों को लेने के लिए, उन सब जीवात्माओं रूहों को अपने प्रभु नाम जहाज पर बैठा कर इनको इनके घर पहुंचाने के लिए आए हैं। इतना बड़ा काम जो संख्या में किसी ने नहीं किया, तभी तो इनके बारे में लोग भूल गए। कोई इतिहास है नहीं, जानकारी पहले की है नहीं, ऐसा संगत मारी कभी भूमंडल पर आया नहीं, तो आप पहचान पाओगे तो कैसे पहचान। इसीलिए बाबा जी को पहचान देनी पड़ी, अगर पहचान होती तो बताने की क्या जरूरत। इसलिए उनको अपनी पहचान देनी पड़ी कि मैं किस काम के लिए आया हूं और कौन सा काम करके ही जाऊंगा। कहा क्या कहा, मैं परिवर्तन करने आया हूं, परिवर्तन करके ही जाऊंगा। कोई मारी का हमें इस परिवर्तन से न रोक सकता है।
ये दोनों चीजें आप मेरा काम कोई कर भी नहीं सकता और मुझे अपने काम से कोई रोक नहीं सकता। ये छोटा मोटा चैलेंज है जो विश्व को चैलेंज कर रहा है। ऐसा समृत मालिक भूते न भविष्य की ना इस भूमंडल पर आया है और न कभी आएगा। और आप ऐसे समृत मालिक को बिल्कुल नहीं पहचानते, तुम्हारे पास कोई पहचान नहीं है। उन्होंने अपनी तमाम तरह से पहचान दी है कि कलयुग का जीव मेरे बारे में कहीं भूल न जाए, कहीं शंका संदेह भूल भ्रम में न चला या किसी के बहकावे में भरमावे में न आ जाए। तो उन्होंने कहा मैं कलयुग का इतिहास बनाने आया हूँ, ऐसा इतिहास बनाऊंगा जो भूते न भविष्य थे सतयुग देवता द्वापर के लोग अपने अपने युग का इतिहास परिणाम होंगे। मैं ऐसा चमत्कार करके दिखाऊंगा जिसको हिंदुस्तानी नहीं सारा विश्व नमस्कार करेगा। प्रेमियों कितनी अनोखी आवाज सतगुरु दयाल की है और आपने उनको अपना गुरु भी बनाया लेकिन आवाज भी नहीं पहचान पाया। अरे पशु पशु की आवाज पहचानता, पक्षी पक्षी की आवाज पहचान लेते, कीड़े मकोड़े कीड़े मकोड़ों की आवाज पहचान लेते। अगर तुम अपने सतगुरु दयाल के सच्चे भक्त और शिष्य होते तो अपने मालिक की आवाज पर जरूर पहचान। जो भूमंडल पर किसी ने नहीं लगाई है क्या कहा है? कहा मैं कलयुग को भगाऊंगा, सतयुग को लाऊंगा, सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी की व्यवस्था बना के दूंगा। जो 70 साल की आजादी भी इन नेताओं ने नहीं दिया उसका संकल्प है, उसकी प्रतिज्ञा है, उसका वादा है। सबको न्याय सुरक्षा रोजी रोटी कहा था, मैं सबको सरकारी बनूंगा। यहां तुम अगर एक पीढ़ी पीने लगो अपनी आदत को नहीं छोड़ पाते हो। जो सारे विश्व को शाकाहारी बनाने का चैलेंज कर रहा है, प्रतिज्ञा कर रहा है, वादा कर रहा है, संकल्प ले रहा है, वो समय का इंसान है कि भगवान का भगवान है? इतनी भी आवाज आपकी समझ में नहीं आई? जब नामदान आपको दिया तब भी वादा किया, कहा मैं बच्चा मैं अजर अमर देश से आया हूँ, जब तक इन जीवात्माओं को अजर अमर देश नहीं पहुंचा लूंगा मैं चैन से बैठने वाला नहीं हूँ। जब तक मेरा एक भी जीव यहाँ मौजूद रहेगा, एक भी जीव यहाँ रहेगा मैं बराबर मौजूद रहूंगा। जब मेरे जगह सारे जीव चले जाएंगे मैं पीछे से जाऊंगा। क्या तुम्हारी जीवात्मा जाग गई है? क्या मालिक से मिल गई है? घर पहुंच गई जो आपके घर पहुंचाने वाला चला गया, फिर इसे पहुंचाएगा क्यों? कौन ऐसा इंसान इस शक्ल में है जो तुम्हारी जीवात्मा को जगा दे और परमात्मा से मिला दे? और किसके पास समय का नाम जहाज है जिस पर बैठा कर तुम्हारी जीवात्मा को तुम्हारे घर पहुंचाती? ये कितना बड़ा अनोखा अद्वितीय विलक्षण वादा है। कल मैंने आपको बताया था कि संत रविदास जो मीराबाई के गुरु हजारों वर्ष पहले आए, उन्होंने अपनी ज्ञान पोथी में ये भविष्यवाणी लिखी है कि आगे इसी भारतवर्ष इस भारत भूमि पर ऐसा विलक्षण का अद्वितीय समृद्ध महापुरुष आ रहा है जिसकी शानी का बराबरी का हिंदुस्तान क्या सारे विश्व में कोई नहीं है। क्या कहा था? क्या उन्होंने भविष्यवाणी की है कि भारत में अवतारी होगा जो अति विस्मयकारी होगा, ज्ञानी और विज्ञानी होगा, वो अद्भुत सेनानी होगा। सबसे बड़ी बात अनोखी संत रविदास जी ने जो लिखी है
कि वो समृद्ध महापुरुष एक अनोखी लीला करेगा जो इंसान के वश की बात नहीं, जीते जी कई बार मरेगा। ऐसी अनोखी लीला कि जीते जी कई बार मरेगा और छन्नम भेष में वो बिचरेगा। देश बचाने के लिए होगा एक आवाहन, युग परिवर्तन के लिए चले प्रबल तूफान। तीनों ओर से होगा हमला, देश के अंदर जो ही घबरा सभी तरफ को राम बनेगा, कैसे हिंदुस्तान बनेगा। जिनने भारत मात सताई और जिनने इसकी कड़ी लुटाई, और नेता मंत्री और अधिकारी और जान बचाना होगा भारी। ये छोड़ सब मैदान भगेंगे, अपने अपने घर में चुपकेंगे, लेकिन महापुरुष क्या करेगा, ढूंढ ढूंढ के बदला लेगा सब हिसाब चुपता करती। प्रेमियों कोई नहीं जिन्होंने भारत माँ को लूटा, भारत माँ पर अत्याचार अनाचार पापाचार बिलता, मार का हिंसा लूट पाट का माहौल बनाया और भारत माँ की जय बोलते। अरे ये जय है कि पराजय है, उसी भारत भूमि पर अत्याचार अनाचार पापाचार बिलचार हो रहा है। कितने जीवों को निर्दोष